बस इसी तरह से बढ़िया रेसिपीज मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। बस जाइए मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हर बार इंस्टेंटली अपडेट्स मिले मेरे YouTube चैनल के। हेलो जी, मैं हूं आपका अपना शेफरपाल सिंह सोखी। अजी बचपन में मैं पप्पू हुआ करता था, मुझे बुलाते थे सब लोग यार, मतलब ऐसे ही था, मेरी लाइफ ऐसे ही थी। सब लोग यही कहते थे कि ये पप्पू है, ये क्या कर लेगा ये। अब देखिए बड़ा हुआ तो भाई मेहनत की और आपके लायक बन गया, मैं अच्छा शेफ बन गया। इंसान को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए, कब क्या कर जाएगा ये नहीं पता किसी को। बचपन में जिसे हम पप्पू कहते थे वो भाई पास हो गया और वो आगे बढ़ गया, है ना भैया। तो कमाल की चीज यही है, अंडर एस्टिमेट मत करिए, झटके दिए थे हमने भाई। अभी हाल ही में एक महीने पहले इलेक्शन हुए थे ना, बदल दिया भाई, ऐसे ही होता है। स्वाद बदलना मेरा काम है, मुझे कोई भी इंग्रेडिएंट दे दीजिए मैं उसे अच्छी डिश बना के देता हूँ। अब मेरे में वो कला आ गई, बचपन में जो पप्पू था वो अब कलाकार शेफ बन गया। यहाँ पे भी देश में कुछ ऐसे ही चल रहा है। और क्या पक रहा है सीरीज में, आज बिटर चॉकलेट मूस पक रहा है। बिटर चॉकलेट मूस जो है बड़ी कमाल की रेसिपी है, और मतलब ये जो बातें चल रही है ना इससे मुझे मेरी बचपन की एक बात याद आ गई। रेसिपी के पहले एक बात सुना देता हूं मैं आपको। भाई बचपन में मैं अपनी बेबे का हाथ पकड़ के चला करता हूँ, जैसे पप्पू लोग चलते हैं बेबे का हाथ पकड़ के, है ना, मैं भी साथ साथ चलता था। पिताजी हमारे बड़े डांटते थे भाई, कहीं नाच गाना होता था तो कहते थे हमेशा, अरे नाचो गाओ करो डांस करो। वो हमेशा चाहते थे कि मैं आगे बढ़ूं, लाइफ देखना चाहते थे। अनफॉर्चुनेटली पिताजी तो रहे नहीं भाई, लेकिन नाच गाना हमने किया एकदम उच्च स्तर का, झलक दिखला जा किया। जब मैंने झलक दिखला जा किया तो लोग देखने लगे, भाई क्या बात है, ये तो पास हो गया भाई, कमाल है, बढ़िया शेफ बन गया। सब लोग मतलब मेरे शहर में खड़गपुर में सब लोग भाई चर्चा करने लग गए, क्या बात है, ये देखिए पप्पू पास हो गया, क्या बात है भाई। ऐसे ही होता, मेहनत करते रहेंगे ना तो हम पास हो जाएंगे। और रेसिपी बनाने के लिए अभी मेरे पास कुछ सामग्री तैयार है, और उसके लिए मैं एक बोल ले लेता हूँ, और मैं बड़ा सिंप्लीफाई करके चीज़ें बनाता हूँ ताकि सभी लोग समझे। ये देखिए बिटर चॉकलेट एक कप ले लिया मैंने, ठीक है जी। अब इसमें थोड़ा सा बटर डाल लेते हैं, एक टेबल स्पून, ठीक है जी। ये लीजिए ये डाल दिया, इसमें थोड़ी सी क्रीम डाल लेते हैं, ये लीजिए, आहा क्या बात है, ये एक कप क्रीम डाल लेते हैं, ठीक है जी, ये डाल ली। थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर भी डाल लेते हैं, एक टेबल स्पून लाए। सब कुछ बिटर 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 करते हैं, ठीक है ना। और ये जो क्रीम ली है मैंने, स्वीटेंड क्रीम ली है, शक्कर चेक करेंगे, अगर आवश्यक पड़ी तो डालेंगे वरना नहीं डालेंगे। भाई जितने पप्पू होते हैं ना वो बड़े स्वीट होते हैं, मैं एक चीज़ तो जानता हूँ, आई टेल यू। देखिए लड़कियाँ जो है चॉकलेट बॉय पे मरती हैं, जिसको बाकी लोग पप्पू कहते हैं, लड़कियाँ जो है वो चॉकलेट बॉयज पे मरती है। आप मुस्तंडे हो क्यों ना हो, जिम से निकल के जाओ आपकी तरफ कोई नहीं देखेगा भाई। ये वही कहानी है, इसको अब हम माइक्रोवेव में डाल लेते हैं और पका लेते हैं। 1.5 मिनट तक हम इसे गर्म करेंगे ताकि चॉकलेट ठीक से मेल्ट हो जाए, कॉफी भी गर्म हो जाए, क्रीम भी गर्म हो जाए, सब कुछ होमोजेनस बन जाएगा। तो क्रीम जब बढ़िया गर्म हो जाए तो चॉकलेट आसानी से मेल्ट हो जाती है, निकाल लेते हैं इसको। ये लीजिए क्या बात है, क्रीम बढ़िया मेल्ट हो गई, अब इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। ये लीजिए अच्छे से मिक्स कर लिया, वाह कंसिस्टेंसी मूस वाली आ गई, बिल्कुल बढ़िया, वाह जी वाह। ये लीजिए क्या बात है, बढ़िया कंसिस्टेंसी आ गई। अब इसे हल्का सा ठंडा करना है, पूरा ठंडा नहीं करना है, हल्का सा ठंडा करना है। ये मैं मिक्स करते करते ठंडा कर लेता हूँ, ये बोल लेते हैं, और लगभग 1.5 टीस्पून कॉफ़ी का ले लें, पाउडर का, इंस्टेंट कॉफ़ी का, पानी डाल लें। बस 2 से 3 टेबलस्पून पानी डाल लें, और इसको मैं लेस देन 30 सेकेंड माइक्रोवेव में ल्यूक वार्म करना है मुझे, बस वो मैं कर लेता हूं।
ये लीजिए कॉफ़ी हमने बना ली है। एक्चुअली पूरी गर्म नहीं करनी, बस हल्का सा गर्म करना है ताकि ये जो कॉफ़ी है वो ठीक से मिक्स हो जाए। अब कॉफ़ी भी तैयार है, मूस भी हमने ठंडा कर लिया है, अब सेट करने की बारी है। सेट कर लेते हैं, बढ़िया ग्लास ले लें और ये कॉफ़ी ले लेते हैं। ये पार्ले जी ग्लूकोज बिस्किट जो हमने सबने खाई है बचपन में, इसे डालें और निकालें। जैसे हल्की सी सॉफ्ट हो जाए बिस्किट, ये यहाँ डाल लेते हैं। ये लीजिए कॉफ़ी में डालें, थोड़ी देर सोक करें। वो कहते हैं ना भाई, इंसान जो है थोड़ा सा रफ तरीके से गुजरे तो वो सीख जाता है अच्छी चीज़ें। बस ये बिस्किट को भी हम वही कर रहे हैं, काला पानी से गुजार रहे हैं। ये लीजिए, क्या बात है, ये हो गया बढ़िया, हमने सॉफ्ट कर लिया और ये बिस्किट का एक लेयर जो है वो बना लिया। अब बढ़िया बिटर चॉकलेट मूस निकालते हैं। फ्रिज में थोड़ी देर ठंडा करने के बाद मैंने ये निकाल लिया और ये मूस डाल लेते हैं ऊपर से। अब इसमें थोड़ी सी क्रीम डाल लेते हैं। बूम, ये लीजिए, और थोड़े से कलरफुल जो शुगर बॉल्स है वो लेके ऊपर से। आहा, क्या बात, लुक एट दिस, सुपर्ब। तो ये लीजिए, ये बढ़िया डेकोरेट कर लेते हैं। तो ये लीजिए, तैयार हो गया बिटर चॉकलेट मूस। नाउ दिस इज अ बिटर ट्रूथ दैट दोज हु लाइक बिटर चॉकलेट विल ऑलवेज लाइक बिटर चॉकलेट कम व्हाट मे, जो भी हो जाए दुनिया भाई, ये तो फैक्ट है। और इस फैक्ट के साथ हमें जीना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। बढ़िया खाना जहाँ मिल जाए वहाँ तो सभी लोग रुक जाते हैं जी। क्या पक रहा है मैं आज तक, ये बिटर चॉकलेट मूस, कल तक कुछ और। तब तक इजाजत, नमस्कार, सत श्री अकाल। देश की तरक्की के लिए काम करते हैं।